नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हैदराबाद से हूँ। आवाज आ रही है मेरी? बस थोड़ा सामने हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ हैदराबाद से और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं जिस दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दिन से हम लोग लगातार आप लोगों को देख रहे हैं। 26 जनवरी के बाद हम जरूरी समझे कि आप लोगों के बीच में आए, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो उगाते हैं आप, हम खाते हैं, तो उसका एहसान रखना चाहिए। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये एहसान फरामोश है। जो अपनी बीवी के नहीं हुए, वो देश के लोग के क्या होंगे? ठीक है ना, अगर से ये खुद के बीवी के होते या खुद के घर के होते तो वो देश के होते। ये चाय वाले को जो है रात में मन की बात कहने को समझ आता है, क्योंकि इसके पास तो बीवी है नहीं जो रात की बात मन की बात समझ सके। और ये मन की बात और रात की बात जो है गरीब लोगों पे बरसाता है, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो कोई काला कानून क्यों ना हो, चाहे नोटबंदी क्यों ना हो, इसे रात में आती है। ये दिन में जो 6 इंच का सीना जो है इसका, वो छोटा सा हो जाता है, जो छोटे बच्चों का सीना होता है ना, ऐसा हो जाता है इसका सीना। इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हमसे मुकाबला करे, हमसे आके बात करे। इसके पास इतनी ताकत ही है नहीं। इसके पास सिर्फ बात ये है कि जुमले, इसे कुछ बोलोगे तो जुमले याद आ जाएंगे, इसे कुछ बोलोगे तो पाकिस्तानी याद आ जाएंगे, इसे कुछ बोलोगे तो आतंकवादी याद आ जाएंगे, इसे कुछ बोलो तो खालिस्तानी याद आ जाएंगे। पर इसे ये नहीं पता कि जब पूरे हिंदुस्तान के जब लोग मिलेंगे, जब हिंदू मिलेंगे, जब मुसलमान मिलेंगे, जब सिख भाई मिलेंगे, जब हर कोई मिलेंगे, तो इसका क्या हशर होगा। ये जो खाकी चड्डी है ना, ना पहनने के काबिल रहेगा, ना उतारने के काबिल रहेगा, ये हाल इसका होने वाला है। तो मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहूंगी कि अपनी जो गंदगी है वो यहीं पे बस कर दो, क्योंकि 6.5 साल से हम आपकी गंदगी बर्दाश्त करते करते बस हो गए। अभी हम ना बर्दाश्त करने के मूवमेंट में भी नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे भाई है किसान भाई, या जीत के जाएंगे या कुछ लेकर ही जाएंगे। ये ऐसे ही पीठ दिखाकर जाने वाली कौम नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक सिख मरेगा तो 100 पैदा होंगे, 100 मरेगा तो 1000 पैदा होंगे। आज जो हम डिग्री बॉर्डर पे आज जो सुने हैं, आज जो हम डिग्री बॉर्डर पे सुने हैं कि एक भाई ने सुसाइड किया, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। ये आप ऐसा करने से वो लोगों को मौका मिलेगा, वो लोग आपको अभी कमजोर करेंगे। आप कमजोर मत बनिए, सारा हिंदुस्तान आपके साथ है, और सारा हिंदुस्तान कहेगा कि आई एम विथ फार्मर्स, हम आपके साथ है। थोड़ा सफर करिए, थोड़ा हौसला रखिए, और जो यहाँ पे सेवा करते हैं मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जो जिसको पहचानते भी नहीं वो उनके कपड़े साफ करते हैं, जो जिसको पहचानते भी नहीं उनके लिए खाना बनाते हैं। तो ऐसी यूनिटी हमें कहाँ मिलेगी? आज गोडी मीडिया ये नजर ये बोलती है कि यहाँ पे आतंकवादी है, वहां पे, अरे गोडी मीडिया ये दिखाओ ना यहाँ पे कितना प्यार है, दम है तो ये दिखाओ ना कितना प्यार है। यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं लोग, क्योंकि इन लोग को तलवे चाटने के सिवा कुछ आता ही नहीं। जब तक ये लोग तलवे नहीं चाटेंगे, जब तक उन लोग को हड्डियां कहाँ से मिलेंगे? ये कहावत है, मैं तो समझती हूँ लोगों, कुत्ता वर्ड भी जो है बहुत छोटा है, क्यों तो कुत्ता जो है वफादारी करता है हमारे घर की। इन लोगों के लिए ऐसी कोई लाइन नहीं बची जो हम बोल सकते हैं लोगों को। अगर से गूगल में सर्च करेंगे हम सबसे गलीज आदमी कौन है, तो वो आएगा हमारा चाय वाला, जिसके केटली का पता नहीं है, जिसका दूध का पता नहीं है, जिसकी पत्ती का पता नहीं है, फिर भी ये बोलता है कि मित्रों मित्रों, ऐसा बोलता है। और बोलता है मेरे बहनों, जो आदमी जो लेडीज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही, उनके लिए हमाम जो बाथरूम बोलते हैं, वो बाथरूम का भी वहां पर बैरिकेड लगा दिया। तो ये कैसा इंसान है, और इसको हम जो भी गाली देंगे बहुत छोटी लगेगी। तो उसके लिए मैं 2 लाइन बना के लेके आऊँ। मैं सिंगर भी नहीं हूँ, मैं शायर भी नहीं हूँ, बस 1-2 लाइन। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, चाय वाला हमसे हमसे दगा करता है, चुप चुप के एक मिनट मैं भूल गई हूँ, एक मिनट। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, चाय वाला हमसे हमेशा दगा करता है, तारीख पे तारीख वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। ये हमेशा आंखों में आंखें डालकर तो दगा नहीं करता, पर टीवी की स्क्रीन में आंखें डालकर दगा करता है।
और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूंगी, प्लीज हिम्मत रखिए, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसको आपके बाद आपकी फैमिली को जो है अफसोस हो जाए, और आपकी फैमिली की बहुत जरूरत है आपको। और ये आत्महत्या ये सब बुजदिल लोग करते हैं, हम बुजदिल तो है नहीं, है ना, हम बुजदिल तो है नहीं। जब हम सीने पे गोली खा सकते हैं तो हम ये हरकत क्यों करें? तो हमारे अंदर सीने पे गोली खाने की हिम्मत भी है और ऐसे चोरों से लड़ने की भी हिम्मत है हमारे पास। जय किसान, जय जवान, जय किसान।